गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है एक्सरसाइज 1.2 का, सीबीएसई मैथ्स क्लास 10। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चेक वेदर 6n एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जो है 0 पर समाप्त होता है, कह रहा है डिजिट यानी 0 पर समाप्त होता है। देखो 6 की पावर, वैसे मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि 6 की पावर n जो है 0 पे कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, एंड नहीं हो सकती। देखिए जैसे मैं 6 टू पावर 0 करता हूं तो इसका एंड 1 से होता है, ठीक। अगर मैं एन की वैल्यू 0 रख दूं और एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 6 टू पावर 1 होगा। ये 6n है ना, क्या है बेटा 6n है, 6 टू पावर n है। तो n की जगह पे मैं 0 रख के देख रहा हूं तो किसी की पावर अगर 0 होती तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, राइट। 7th 8th में पढ़ा होगा आपने एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में। और 6 टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 6 ही होता है। 6 स्क्वायर 6 टू पावर 2, यानी n की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूं, 2 रख दे रहा हूं। देखो 6 into 6, 6 6 is 36, और 6 cube। देखो 6 की पावर चाहे तुम आप जितना भी लिख लो वो 6 पे ही एंड होगा बेटा, ठीक है। इसका देखो 216 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और 6 टू पावर 4 रख के देखिए वो भी 6 पे ही एंड होगा। तो आपका जो है ना 6 टू पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। आइए चलिए रीजन बताते हैं। अब एक्चुअली रीजन क्या है, ये तो आप वैसे समझ गए कि न्यूमेरिकली ये होता क्यों नहीं है, 0 में एंड क्यों नहीं होता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इसका रीजन क्या है, आपको पता होना चाहिए बेटा। कोई भी चीज 0 पे तब एंड होगी जब वो 10 से डिविजिबल होती है। आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा होगा, बहुत सी क्लासेस में पीछे 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला चैप्टर, तो वहां से आप लोगों ने सीखा होगा बेटा कि कोई भी नंबर 0 पे तब एंड होती है, या तो वो 5 से डिविजिबल हो या फिर वो 10 से डिविजिबल हो। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 2 जा, यानी 5 और 2 के रूप में उसके फैक्टर होने चाहिए। देखो 10 पे एंड तब होगी जब, देखो 10 into 2 करता हूं 20 होता है, 0 पे एंड होगा। 10 की कोई भी टेबल ले लो आप, 0 पे ही एंड होगी बेटा। तो 10 का होने के लिए आपको 5 और 2 का होना जरूरी है। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के रूप में है तो वो 0 में एंड हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं 6 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, देख लीजिए बेटा 6 के प्राइम फैक्टर 2 3 जा, 2 और 3 प्राइम नंबर है, 2 होल पावर n कर लीजिए। देखो 6 की जो पावर n है ना, तो ये 0 पे एंड क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। 2 और प्राइम फैक्टर और 6n not in form of 2 into 5 because any numbers when it, देखिए बेटा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 into 5 बिकॉज एनी नंबर इज एंड्स विथ 0 व्हेन एंड्स विथ 0 देन इट विल व्हेन
इट इज डिविजिबल बाय 10। देखो 2 और 5 मैंने बताया था आपको प्राइम फैक्टर ऑफ 6 एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 बिकॉज एनी नंबर इज एंड्स विद 0। क्योंकि जब कोई भी संख्या 0 में 0 से एंड होती है व्हेन जब इट इज डिविजिबल बाय 10। जब वो किससे डिविजिबल होती है 10 से डिविजिबल होती है। ये मैं ऊपर भी बता चुका था आपको बेटा कि 10 से डिविजिबल वो नंबर ही 0 पे एंड हो सकती है अदर देन किसी के भी फैक्टर अगर 2 और 5 के रूप में है तो राइट। चले तो सो देयरफॉर देयर चले बेटा ये आपने वीडियो वॉच करके उतार लिया होगा देयर इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको देयरफॉर एनी नंबर एन कैन नॉट बी एंड्स विद 0 इफ इट इज 6 एन। कोई भी नंबर यदि 6 एन के रूप में है तो वह 0 कोई भी नंबर एन जो है एन के लिए किसी भी नंबर एन के लिए 6 टू पावर एन जो होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा एंड नहीं होगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिख चुका हूं मैं बोर्ड पे देख लीजिए। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है आर कंपोजिट नंबर। ये एक्सप्लेन करना है कि जो दिए गए नंबर्स हैं ये क्या हैं कंपोजिट हैं। बेटा एक पार्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और दूसरा पार्ट आप सॉल्व करेंगे राइट। देखो पहला वाला पार्ट मैं सॉल्व करके दे देता हूं आपको और सेकंड पार्ट आप करेंगे जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं सेम वैसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे राइट। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए बेटा मैंने बताया था आपको पहली वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो आप चेक कर लेना उसमें मैंने बताया हुआ है प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स में मैंने बताया था नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं ओनली 2 फैक्टर होते हैं 1 और इटसेल्फ और कंपोजिट नंबर के बताया था मैंने जहां 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो देख लेते हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है। चले 7 इन दोनों में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 यहां भी है यहां भी है तो 13 बाहर ले लेते हैं हम। अंदर क्या बचता है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह पे 1 बचता है प्लस इस 13 की जगह पे भी क्या बचेगा 1 बचेगा राइट। 13 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 7 11 जा 77 इंटू 1 77 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका बेटा ये होता है आपका 13 इंटू 77 और 1 78 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसे लिखा जा सकता है 13 इंटू 13 6 78 78 ये हो गया और 13 ही हो गया 13 6 78 हो गया राइट। तो कितने फैक्टर हो रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर हैं। अगर हमने देखा जाए तो इनमें 1 भी कॉमन है तो 1 भी इनका फैक्टर है तो इट मीन्स लिखेंगे द गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हैं नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर और इट इज अ कंपोजिट नंबर या देयरफॉर द गिवन इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है बेटा बताइए क्योंकि मैंने बताया ना आपके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं 13 ही हो गया और 78 के फैक्टर क्या 7
थर्टीन इंटू सिक्स है, देखो थर्टीन इंटू थर्टीन इंटू सिक्स है, और इसके बाद अगर वन से भी मैं फैक्टर करूँ तो वन भी इनका फैक्टर है, राइट। थैंक यू, चलिए इसको पॉज करके उतार लें। बेटा इसका सेकेंड पार्ट मैंने कहा था आप लोगों को बना लेना करके, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, आप कोशिश खुद भी कर सकते हैं। देखिए सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव है, तो मैंने क्या करा इन दोनों में, देखो इसको मैंने अलग कर दिया है, प्लस वाले को अलग कर दिया, तो यहां से जैसे पहले वाले में कॉमन लिया था हमने, वैसे कॉमन लिया, यहाँ फाइव कॉमन आ गया बेटा, देखो बाहर ले लिया हमने फाइव, ठीक, यहाँ सेवन बचा, इंटू सिक्स बचा, इंटू फाइव की जगह पे वन बचा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव था तो फाइव बाहर ले लिया, तो फाइव की जगह पे वन बचा, प्लस वन हो गया, ठीक है। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लिए थे मैंने वो, देखिए सेवन सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू इन वन जा फोर्टी टू, फोर्टी टू फोर जा वन सिक्सटी एट, वन सिक्सटी एट थ्री जा फाइव हंड्रेड फोर, फाइव हंड्रेड फोर टू जा वन थाउजेंड एट, और वन थाउजेंड एट में ये प्लस वन करना था बेटा, वन करा तो वन थाउजेंड नाइन आ गया आपका। अब देख लीजिए बेटा, वन वन थाउजेंड नाइन के फैक्टराइज करके देख लेना, उसके फैक्टर होंगे नहीं और इसका फैक्टर केवल वन होगा बस, तो वन का हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टू फैक्टर है ना, फाइव इंटू वन थाउजेंड नाइन था, तो इसका एक फैक्टर, इसका भी वन होता है, इसका भी वन होता है, तो वन कॉमन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो है, इसके क्या है, मोर देन टू फैक्टर है, इसके भी मोर देन टू फैक्टर है, देयर फॉर द गिवन नंबर इज, यही चीज उतार लेना, द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयर फॉर द गिवन नंबर इज कंपोजिट, इसके लिए भी यही आंसर होगा आपका, ठीक है। थैंक यू। चलिए बेटा ये वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लेंगे, और आंसर सेम पहले वाला पार्ट का जो मैंने आंसर लिखा था सेम वही लिख देना, राइट। थैंक यू।